Question is, now the section B, that is the 25th question. We get 10 MCQs we already discussed, right? अब 25th question I think we discussed. Limestone वाला हमने discuss कर लिया था. Step one, step two. I am repeating. This is, we had discussed I think, but still चलो. Limestone, they are saying heated. Step one, X plus carbon dioxide plus H2O. Step two, slag line. They are asking in this identify exothermic and endothermic. ठीक है, इसमें आप सारे क्वेश्चन एक साथ ही कर लो. Although they had asked exothermic, endothermic, but we will revise the whole concept. Limestone formula. ठीक है, heated में CaCO3, यहां पे हीट आप दे रहे हो. When we are providing heat, तो this reaction is endo, यानी कि step one is endo, but it will produce carbon dioxide बाहर आ गई. This is, what is the formula or name of this? And other name, quicklime, right? Plus carbon dioxide, right? Then we will add water, and what it will be produced? Slaked lime. What is the other name of slaked lime? And other name? Other name. Slaked lime तो है ही है. Calcium hydroxide, lime water. बच्चे ये देखो. This is calcium oxide, lime. Calcium oxide, lime. H2O water. Lime water. ठीक है ना? Lime water. Right? Why we are, yeah, how this happened? यहाँ पे हो गया कि एंडोथर्मिक है. दे कैन गिव यू द साइन ऑफ डेल्टा ऑल्सो. तो यू हैव टू सी कि यहाँ पे डेल्टा साइन है, तो दैट मीन्स दे आर गिविंग ए हीट. दिस इज एंडो, यहाँ हीट निकलती है. दैट इज एक्सो. विच काइंड ऑफ द लाइक साउंड इज प्रोड्यूस्ड? साउंड इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज द विच काइंड ऑफ द साउंड इज हिजिंग साउंड. ठीक है, इन द सेम वे व्हेन वी आर डूइंग विद द आयरन ऑल्सो. आयरन गिर गया, आयरन मतलब आयरन सॉरी डिल्यूट H2SO4 या डिल्यूट एसिड या एनी एसिड है ना, स्पिल्ड ऑन द रोड एंड द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज दैट साउंड? इज हिजिंग साउंड. ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट इज डिफरेंट, साउंड इज डिफरेंट. जैसे इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, व्हेन वी विल पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की. दैट इंडिकेट्स कि दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड. इन द सेम वे हिजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड, फिजी फिजी लाइक हिजिंग sound is produced. But when we will bring burning matchstick near to it, if it produces a popping sound, that indicate hydrogen gas. Meri baat samajh aayi? Sound kaun si produce hui? Hissing, confirmatory popping. Is it clear? Kar de sir, kaun si hai? Confirmatory popping sound. Theek hai? Agar paper mein bhi ho, तो इफ इट इज देयर, तो कंफर्मेटरी टेस्ट जो है, दैट इज द पॉपिंग साउंड व्हेन वी विल ब्रिंग बर्निंग मैचस्टिक नियर टू इट. ठीक है, अच्छा, व्हाई, व्हाट इज यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग? फिर गलत बोल रहे हो. व्हाट इज यूज इन द व्हाइट वॉशिंग? वो वहां पे इट्स रिटन इन द एनसीईआरटी ऑल्सो इन द पैराग्राफ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द स्लेक लाइम, दैट इज यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग और ऑल दैट. दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन, वो इसकी रिएक्शन से बनता है. कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम को, व्हेन वी आर मिक्सिंग विद द वॉटर, इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, हाउ इट टर्न्स द व्हाइट आफ्टर टू और थ्री डेज? इट रिएक्ट विद द कार्बन, रिएक्शन उल्टी हो गई ना, देन इट फॉर्म्स रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट, विच टर्न्स इट टू अ ग्रे, मतलब जो व्हाइटिश कलर, ब्राइट अपियरेंस विल कम. ठीक है, व्हाट इज एडिंग टू बिकम द ब्राइट अपियरेंस? द एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड टर्न्स इन टू द कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ठीक है.
कैल्शियम ऑक्साइड है, बट वहां पे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है कि दैट इज फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन. अबव रिएक्शन दे हैड नॉट गिवन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ग्राफ गिवन है. आई एम नॉट राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम जस्ट टेलिंग कि ये इन्होंने एक ग्राफ शो करा है. द बार ग्राफ के ऊपर वन स्ट्रे लाइन इज शोइंग. दे आर सेइंग इन विच ईयर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाईएस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, पहले ये बताओ. कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एच पॉजिटिव, दैट मीन्स पीएच एच पॉजिटिव ज्यादा है, तो व्हाट इट इंडिकेट्स, क्या कम होगा. पीएच इज मोर हाइड्रोजन आयन, तो व्हाट इट इंडिकेट्स. वेरी नाइस. एग्जाम इज आफ्टर वन और टू, मतलब विद इन दिस वीक, एंड यू नो. कहां पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, तो यहां क्या इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आपने इधर बेसिक बोला है. इट इज बेसिक, राइट. अब मोर हाइड्रोजन आयन्स, देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयन, दैट इंडिकेट्स द इट इज एसिडिक. अब वो कह रहे हैं किस ईयर में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन हाईएस्ट है, कहां सबसे ज्यादा है, जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है कहाँ ज्यादा है. इधर दे आर शोइंग द पीएच वैल्यू, नहीं पीएच वैल्यू इन दिस साइड, एंड ईयर दे आर शोइंग इन दिस साइड. यहाँ पे उन्होंने गिवन है, ये वैल्यू दी है 0, 1, 2 ऐसे दिए है, विच इज हैविंग द हाईएस्ट. ठीक है, हमने ये वाला नहीं देखना, ये इधर दे आर गिविंग द ईयर, here they are giving the pH value. So please focus ki pH value ko dekh. Diagram show the reaction between metal and dilute acid. Diagram shown hai aapko ek metal and acid ka. Ab ye main bana rahi hu and then you will tell me. Agar yahan pe pH, is pe aapko case study bhi aa sakti hai, koi bhi question bhi ho sakta hai. We can ask you by giving you the example of the you can say Yamuna river. ठीक है, गंगा एक्शन जो प्लान है, इफ इट इज गोइंग ऑन जीएपी है ना, या एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज गोइंग ऑन, राइट. अब ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज गोइंग ऑन, बट एक्चुअली इज प्रेजेंट, विच कंसेंट्रेशन इज मोर इन दिस केस, जीएपी और एनएमसीजी, दैट इज फॉर डूइंग द क्लीनिंग गंगा, है ना. अब ये क्लीनिंग गंगा में क्या मेन है, वाई द, अगर आ जाए आपको वहां पे पैराग्राफ में कानपुर एंड ऑल दैट, दैट इज कॉल्ड द डेड सी, डेड रिवर ओवर देयर. गंगा को कानपुर साइड पे डेड रिवर कहा जाता है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. ठीक है, इंडस्ट्री में क्या निकला. ठीक है, इफ वी आर सेइंग कि द पर्सन्स दे आर यूजिंग द डिटर्जेंट्स एंड द वॉशिंग एंड ऑल दीज थिंग्स नियर टू द गंगा रिवर या बे उसके पास कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर इंक्रीजिंग, विच कंसेंट्रेशन इंक्रीज ओवर देयर, वट दे आर यू डूइंग, they are doing cleaning, washing with the help of soap and detergent. But they are adding, soap is, but they are adding base. So which concentration is more? Base. Hydroxide ions. Which concentration is more? Hydroxide. मतलब you have to see, paragraph है कुछ नहीं है, वो ही question है, but they had given you in the form of a story. ठीक है, वही आपको बोल दे कि इट इज कॉल्ड डेड रिवर, ये है वह, दिस इज द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, या दीज टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज आर ओवर देयर, देन व्हाट इट इंक्रीजेस, सो यू हैव टू सी द इंडस्ट्री. ठीक है, सोप डिटर्जेंट दे इंक्रीज द हाइड्रोक्साइड आयन्स, केमिकल्स एसिड्स दे इंक्रीज द हाइड्रोजन आयन्स. ठीक है, हो गया. अब आपको एक दिया है, they are saying here it is zinc plus dilute HCl,
Here they are saying magnesium plus dilute HCl. Here they are showing iron plus dilute HCl. And copper. ये चार टेस्ट ट्यूब है, ठीक है? दे आर शोइंग दिस थिंग. अब वो दे आर आस्किंग व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी. यहां डिफरेंट बिहेवियर क्यों है? प्लीज आई डोंट नो, आप बताओ. ऑप्शंस दिए उन्होंने, मैग्नीशियम इज लाइटर देन HCl. Magnesium react with dilute HCl to produce hydrogen gas, which helps in floating. Magnesium react with dilute HCl to produce nitrogen gas, which help in floating, and carbon dioxide gas, which help in floating. पहले तो सिंपल सी चीज, मैग्नीशियम प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, व्हाट इट विल रिलीज, दैट इज MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है? तो बट एक्चुअली इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हेन इट इज रिएक्टिंग तो वो नीचे ही बैठ रहा है. यहाँ पे वैसे भी इफ यू विल सी तो मैग्नीशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल है. व्हेन इट रिएक्ट विद दिस इट फॉर्म द मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस हेल्प्स टू फ्लोट. क्यों फ्लोटिंग कर रहा है ये? एक और भी करा था, नेम द अदर एलिमेंट दैट फ्लोट्स. ये फ्लोट क्यों कर रहा है? बबल्स आते हैं तो फिर इसको तो जाना चाहिए. बबल्स बबल स्टिक क्यों स्टिक करते हैं? बबल स्टिक क्यों करते हैं? अच्छा, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस. व्हाई? क्या बच्चे, मैंने आपको यहाँ पे दो तीन चीजें करवाई थी कि कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वॉटर एज वेल एज द मैग्नीशियम ऑल्सो फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. व्हाई दीज टू एलिमेंट्स फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर? Even they are producing hydrogen gas, but that is not sufficient to produce. Like utni heat energy produce nahi ho rahi jisse hydrogen gas jaye. It sticks to the surface of the metal, and that's why the metal float on the surface. Is that clear? Clear? Nitric acid wala bhi chalo yaad aa gaya beech mein. Nitric acid, which metals they can react with the nitric acid? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है? व्हाई अदर्स दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन गैस व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड? व्हाट इज नाइट्रिक एसिड? स्ट्रॉन्ग, ठीक है? प्लीज मेक श्योर, यही ऐसे ही क्वेश्चंस है. नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे. टेबल गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट गिवन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बता रहे हैं वो सॉलिड में और यहां पे लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड एक्वस, ठीक है? ये आपके पास है. मेल्टिंग पॉइंट है 295 1210 1890 1160. गुड, पुअर, 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 गुड, 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 पुअर. अब वो कहते हैं इनमें से कौन से दो आयोनिक कंपाउंड है, आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड, आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंस. व्हाट यू विल शो? पहले तो सबसे सिंपल, यहां तो बाद में आएंगे आयोनिक कंपाउंड. एग्जांपल जल्दी, NaCl, NaCl दैट इज अ कॉमन सॉल्ट, नमक, ठीक है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल नमक कैसा दिख रहा है? सॉलिड क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉलिड, दैट इज द फर्स्ट. दैट इज द सोडियम क्लोराइड, एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन. सेकंड प्रॉपर्टी, अब इफ इट इज सॉलिड तो वो एक्सचेंज ऑफ आयन से बना है, तो आयन्स विल होल्ड टाइटली, तो व्हाट इज देयर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, सो दीज आर हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? थर्ड, नमक जो है, सॉल्ट जो है, इज इट वॉटर सोल्यूबल? दैट इज सोल्यूबल इन वॉटर बट इनसोल्यूबल इन द
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. फोर्थ, इफ इट इज सोल्यूबल इन वॉटर. नमक को पानी में डाला, इवन इन द 8th स्टैंडर्ड यू ऑल्सो हैड डन कि व्हेन वी आर एडिंग द सॉल्ट इन इट, तो व्हाट एक्चुअली कंडक्टिविटी क्यों हो जाती है. अगर डिस्टिल्ड वॉटर लिया, डिस्टिल्ड वॉटर में आई एम एडिंग द सॉल्ट, ठीक है, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयन्स. इन द सेम वे कंडक्ट, चार प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड की थी. नंबर वन, दैट इज सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. सेकेंड, strong force of energy is required to break the bond, so it is high melting and has high melting and boiling point. Teesri, it is a good conductor of electricity. Fourth, because of the presence of the ions, that is soluble in water, right. ab isme se ionic compound yani ki electrical conductivity good honi chahiye. good wala kaun sa hai, ek a point hai aur to yahan pe hai hi nahi solid mein, but kya liquid or aqueous mein wo good hai. दो कंपाउंड बताने हैं, ए बी सी डी में से कोई आपको ऐसे बताने हैं. ऑप्शन है आपके पास ए बी, बी सी, ए बी डी, ए सी डी. विच आयोनिक कंपाउंड आर शोइंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. किसका सॉलिड में वो गुड गुड होगा. आयन्स कब रिलीज करेगा, आयन्स कब रिलीज होते हैं, व्हेन इट इज इन द एक्वस फॉर्म, ठीक है. हाई कंडक्टिविटी किसकी है, अगर हम देखें तो ये वैल्यू इसकी ज्यादा है, देन इट इज द सॉलिड फॉर्म में पुअर है, ठीक है. और लिक्विड और एक्वस में दैट इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ द फ्री आयन्स विल रिलीज. सोडियम क्लोराइड नमक में से तो नहीं आप बिजली पैदा कर सकते, नो. ये ले सकते हैं, देख सकते हैं, देन आ जाओ इस पे, पुअर एंड गुड, ठीक है, दोनों ही पुअर, ये तो क्रॉस ही हो गया, ठीक है. ये सॉलिड में भी गुड है, बट सॉलिड में अगर है तो वो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, ये देखना. तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी आएगी इसमें, बी सी, राइट. अच्छा, विच इफ आई एम टेकिंग द टू टेस्ट ट्यूब, अगर मैं यहां पे ये ले रही हूं, what will happen, bulb will glow or not, why no, why no, wrong, it is no, bulb will not glow because I told you the two main things, glucose and alcohols, they do not dissociate into ions. It's given in your NCERT also. Glucose and alcohol, they do not dissociate into ions, so the bulb will not glow. Do yaad rakho, glucose and alcohol. Next question hai, Vinay observed the stain of curry on a white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again. Yellow, white, curry stains on a व्हाइट शर्ट, ठीक है. कड़ी में क्या डाला हुआ था, टर्मरिक. टर्मरिक इज व्हाट, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है. व्हेन वी विल वॉश इट विद द सोप, सोप के अंदर क्या है, बेस, देन इट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन. वो कहते हैं कि बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश विद प्लेंटी ऑफ वॉटर. व्हाट माइट बी द रीजन फॉर ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन सुन लो, उनमें से दो ऑप्शन सही है. सोप इज एसिडिक इन नेचर, पहली ऑप्शन तो क्रॉस ही कर दे. सोप इज बेसिक इन नेचर, ये है सेकंड ऑप्शन. टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेसिस, ठीक है. फोर्थ ऑप्शन, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स अ टिंज इन एसिड्स, नहीं, यानी कि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है. देन नेक्स्ट है assertion and reason, fresh milk in baking soda is added
takes a longer time to set as curd. What is added in the fresh milk? Which is baking soda. What is baking soda? फटाफट बोलो, what is baking soda? What is the formula of baking soda? OMG. Baking soda is NaHCO3. Takes a longer time to set as a curd. बिल्कुल सही है, ठीक है, assertion is true, क्योंकि baking soda डाला. Why milkman is adding the baking soda? क्यों ना खराब हो जाए. What is actually present in the milk? So what will happen if the lactic acid is present? Why they are adding the baking soda? What is the purpose? To neutralization reaction. They are adding the baking soda to neutral the acidic behavior. ठीक है, क्योंकि in acidic behavior bacteria growth fast या rapidly. ठीक है, reason है baking soda decreases the pH value of fresh milk to below 6. No, assertion is true, reason is क्योंकि बिलो नहीं करेगा, दैट विल मेक द अबव 7. ठीक है, सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल. सेकंड है डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट. ठीक है, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. आप हीट देते हो वहां पे? नो, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Decomposition reaction involves the breakdown of a single reactant into a simpler product. Decomposition to yahi hai. Assertion is false, reason is true. Aage hai, the reaction given hai acid and bases and evolve hydrogen gas. Theek hai, which are amphoteric. Kya hoga? Amphoteric kaun se hai? Which can react with both acids as well as the bases. So agar hamare paas option hai, जो एसिड, उन्होंने ऑप्शन टेबल दिया हुआ है ए बी सी डी. ठीक है, एसिड्स के नीचे टिक और क्रॉस लगाया है, बेस के नीचे टिक एंड क्रॉस, एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच आर द एम्फोटेरिक. तो जो दोनों के साथ सही आ रहे हैं और दोनों के साथ रिएक्शन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड. नेम द एम्फोटेरिक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. व्हाट इज द रिएक्शन? जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एंड ए एल टू ओ थ्री. What is the reaction when it is react with the acid? They produce ZnCl2 plus in the same way aluminium chloride plus water. ठीक है, but when these oxide react with the base, zinc, oh sorry, but it will be formed Na2ZnO2, that is sodium zincate, and what it will form? NaAlO2, that is sodium aluminate. ठीक है, these two oxides are amphoteric oxide because they show the reaction with the acids as well as the bases. Is that clear? ठीक है, now the one paragraph is there. Now nahi, one another question is there, same question as I asked abhi, maine aapse pucha hai, same question hai. They had given the apparatus, jo battery wala apparatus set kiya tha maine abhi beaker ke niche, beaker mein they are saying ek mein hai dilute HCl solution, एक है शुगर सॉल्यूशन, एक अल्कोहल इन वॉटर, एक लाइम वॉटर. बल्ब किसमें ग्लो करेगा? पहले फर्स्ट वाले में करेगा डिल्यूट एचसीएल, आयंस रिलीज होंगे, करेगा. शुगर में नो, क्योंकि शुगर इज द फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज, तो इट विल नॉट. देन अल्कोहल नो, मैंने पहले बताया अल्कोहल एंड शुगर दे विल नॉट. देन लाइम वॉटर, ठीक है, दैट इज फॉर्म द कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड निकलेंगे तो दे विल रिलीज. तो कहां बल्ब ग्लो करेगा? एचसीएल और बेस, एसिड्स एंड बेसिस में बल्ब विल ग्लो, अल्कोहल एंड शुगर में बल्ब विल नॉट ग्लो. सेम एपरेटस के साथ एक क्वेश्चन है पूरा बना हुआ है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई. देन
केस स्टडी है आई थिंक। नहीं, एक और क्वेश्चंस भी हैं बेस्ड ऑन क्वेश्चन फॉर सिक्स कैंडिडेट्स, पता नहीं, चलो लेट्स सी। अ गैस इज इवॉल्व एंड डाइल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल, इट गिव्स अ पॉप साउंड व्हेन लिट मैचस्टिक इंट्रोड्यूस नियर इट, आइडेंटिफाई द गैस। ठीक है, देन मेटल एक्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड गैस, आइडेंटिफाई एक्स। उन्होंने ये मेटल दिए हैं, एक्स दिया हुआ है, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड जिंक। जिंक अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ये तो दोनों बहुत लीस्ट ही हैं, रह गया जिंक। तो किसके साथ सॉल्ट बनेगा? जिंक। इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एक्सेस ऑफ एसिड इज एडेड टू एन एल्कली, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन अकर? एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। ये थे तीन क्वेश्चंस। फिर है आपके पास आई थिंक केस स्टडी, कहाँ गई? ये है आई थिंक। इवन दो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस। हाउएवर डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट बी एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट कैन नॉट प्रोड्यूस, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में नो फ्री आयंस। क्वेश्चन कह रहा है द रीजन फॉर दिस इज, तो आप मुझे बता ही सकते हो। इसमें ऑप्शन है रेन वाटर कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, रेन वाटर कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, डिजॉल्व ऑफ नाइट्रोजन, डिजॉल्व ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन डाइल्यूट HCl इज ड्यू टू, वो फिर दोबारा आ गया, वी ऑलरेडी डिस्कस कि क्यों रीजन है उसका। इट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड इट इज नॉट सफिशिएंट हाइड्रोजन गैस, दैट्स व्हाई इट स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल एंड हेल्प्स इन फ्लोटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन आर इलेक्ट्रोलाइट्स? डाइल्यूट HCl, शुगर सोल्यूशन, एल्कोहल लाइम। वही सेम वाले क्वेश्चन आ रहा है आई थिंक। तो नो प्लीज, ठीक है, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द पेपर। इफ एनी डाउट विल बी देयर देन यू कैन आस्क, एंड बाय टुमारो प्लीज आस्क योर डाउट्स।